नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग कॉलेज के एग्जाम की, जुडिशरी के एग्जाम की, इवन तो एक ऐसा एग्जाम इंडिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, इंडियन एविडेंस एक्ट सब जगह काम आता है। कोर्ट में वकालत करने जाते हो तब भी आपके इंडियन एविडेंस एक्ट काम आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ एविडेंस। हम टाइप ऑफ एविडेंस को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू जुडिशरी। अगर जुडिशरी के एग्जाम में पूछे तो हमें कैसे बताना है, अगर हम प्रैक्टिस करते कोर्ट में वकालत पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए टाइप ऑफ एविडेंस क्या है, और जब हम कॉलेज के अंदर एग्जाम दे रहे हैं हमारे एलएलबी का तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइप ऑफ एविडेंस क्या है, इस पर लेके अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस की बात करते तो सेक्शन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 पे एविडेंस के बारे में दे रखा है, और 3 ने क्या रखा है, एविडेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अपना ओरल एविडेंस, एक होता है ओरल एविडेंस, और एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसको बोलते हैं मौखिक साक्ष्य, तो इसको हम बोलते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। और दस्तावेजी साक्ष्य में कौन सा साक्ष्य इंक्लूड है, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें ही इलेक्ट्रॉनिक भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। और ओरल एविडेंस में दो बातें हमें याद रखनी, कोर्ट परमिट करता है या कोर्ट रिक्वायर करता है, और इसकी हम बात करें तो इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, अब परमिट और रिक्वायर की बात कैसे, क्यों, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का एक एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 121 से 131। इस केस में ना तो कोर्ट आपको परमिट करता है ना ही रिक्वायर करता है, इसलिए आप एविडेंस देने के लिए नहीं आ सकते, और अगर आप एविडेंस दे भी देते हो तो भी वो एडमिशिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ओरल एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे ओरल एविडेंस को 2 टाइप में। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ये जो प्रत्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष, ये सेक्शन 59 और 60 में पढ़ते हैं। और ये जो अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट, इसको बोला जाता है हियर से अनुश्रुत साक्ष्य। क्या बोलते हैं इसको, अनुश्रुत। ठीक है, चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। तो ये 2 हो गए, चलते हैं हम डॉक्यूमेंट की तरफ। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है इसको बोलते हैं प्राथमिक, और इसको बोलते हैं हम द्वितीयक। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 61, 62 और 63। तो अकॉर्डिंग टू जुडिशरी हमारे पास एविडेंस के टाइप हो जाते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्राइमरी और सेकेंडरी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर की तरफ। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एविडेंस हमारे 4 प्रकार के हो जाते हैं। वहाँ पे कोर्ट के अंदर एज ए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला ओरल, कॉमन है। दूसरा डॉक्यूमेंट्री, यह भी कॉमन है। तीसरा आता है सर्कमस्टेंशियल, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और चौथा हो जाता है हियर से। हालांकि हियर से ओरल का ही पार्ट है, लेकिन अलग से देते हैं। और ये जो साक्ष्य होते हैं ये कौन से होते हैं बेटा, खून से सने कपड़े या पत्थर या रामपुरी चाकू, है ना, इस वे में ये हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं 4 तरह के। हम जब कॉलेज में जाते हैं तो अनलिमिटेड, इतनी सारी गाइड्स, इतने सारे एविडेंस पता ही नहीं है, लेकिन कॉलेज में आपको पास भी होना है तो वो लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू जुडिशरी अपने पास एविडेंस इतने टाइप के होते हैं, इसको फिर आप आराम से इसको डिटेल लिखना है, केसेस हो तो साथ में आप लिख सकते हैं। तो एविडेंस 2 टाइप के होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक है। याद रखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी ऐसे रिटन वर्ड यूज़ नहीं करते, रिटन नहीं होता, वहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड यूज़, जो लिखित है वो डॉक्यूमेंट है। अब आपको मैं 3 क्वेश्चन देती हूँ जिसके आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं। पहला, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो कैसी एविडेंस है, न्यूज़पेपर में
जो न्यूज़ आती है वो कैसी एविडेंस है? ए ओरल, बी डॉक्यूमेंट्री, सी इलेक्ट्रॉनिक, डी नन ऑफ द अबव। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हियर से एविडेंस किसका पार्ट है? ए सेकेंडरी एविडेंस का, एविडेंस का, बी ओरल एविडेंस का, सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, डी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का। तीसरा क्वेश्चन, टीवी में जो न्यूज़ दिखाई जाती हैं वह कैसा एविडेंस है? नंबर ए हियर से, नंबर टू इलेक्ट्रॉनिक, नंबर सी डॉक्यूमेंट्री, नंबर डी सर्कमस्टेंशियल। इन तीनों के आपको आंसर जो हैं चैट बॉक्स में लिखने हैं। लिखा हुआ क्योंकि मैं बोल रही थी इसलिए शॉर्टकट लिखा है, तो उसको दो तीन बार सुन लेना और चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है? आज के लिए धन्यवाद।